बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवती देवी सरस्वती की परम असीम अनुकंपा बनी रहे। बसंत पंचमी 2020 में 30 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। पूरी धरती इस दिन श्रृंगार कर लेती है। पीले रंगों से सरसों खेतों में लहलहाते दिखते हैं। नए नए पल्लव नई नई कलियां पेड़ों में आ जाती हैं। मानो पूरी धरती पूरी प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि आपके जो बोझ थे, मन मुटाव थे, ईर्ष्या द्वेष थी, उनको निकाल करके आप भी नए सद विचारों से उल्लसित पुष्पित और पल्लवित हो जाइए। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष नेपाल इत्यादि देशों में ये खूबसूरत बसंत का मौसम सभी को प्रिय लगता है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सोना सरसों जैसा चमकने लगता है, जब गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाता है, तितलियां रंग बिरंगी मंडराने लगती हैं, भौरे गुनगुनाने लगते हैं बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। माघ महीने में ये जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। ये बसंत पंचमी का त्योहार बहुत सुंदर है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना जाता है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों खासतौर पर मनुष्य की जब रचना की तो वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि कोई कमी रह गई है पृथ्वी पर। जहां तहां सब कुछ सूना था, वाणी तो कहीं थी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ करके एक जगह छिड़क दिया और भगवान विष्णु की स्तुति की। जब इस तरह से विष्णु स्तुति की तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने समस्या जानकर आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने के कारण भगवती तुरंत वहां पर दुर्गा जी प्रकट हुई और उन्होंने फिर अपने स्वरूप से सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथ में सुंदर वाद्य यंत्र था। वीणा बजाती हुई मन को मोहित करती हुई जैसे ही उन्होंने तार पर अपनी उंगली घुमाई, सारे ब्रह्मांड में कंपन सा हो गया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद फिर श्वेत रंग की एक जो नारी प्रकट हुई वही सरस्वती माता थी। उनके एक हाथ में माला थी, आदि शक्ति दुर्गा के शरीर से ही उत्पन्न हुई। साक्षात वो देवी अधिष्ठात्री सरस्वती दुर्गा ही हैं और उन्हीं की कृपा से हमारी वाणी में, हमारी जीवा में बोलने की शक्ति है। नहीं तो ये तो मांस का बस एक लोथड़ा है, नहीं तो हमारे भीतर कैसे ही शक्ति आ जाए। फिर जैसे भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे तेज से उत्पन्न हुई है सरस्वती आपकी पत्नी होंगी, जैसे लक्ष्मी विष्णु की, पार्वती महादेव की, उसी प्रकार सरस्वती देवी आपकी भी शक्ति होंगी। और संगीत की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई। सरस्वती को भगवती शारदा, वीणा वादिनी, वाग देवी, वागीश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। विद्या बुद्धि की प्रदाता है, संगीत की उत्पत्ति करने की देवी है। बसंत पंचमी के दिन इनका प्रकोप जो प्राकट्य उत्सव है वो भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन किया गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर वजनीवती धीना मत्रियवतु, अर्थात ये परम चेतना है, सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि विद्या को बढ़ाने वाली है। और बसंत ऋतु में प्रकृति तो अपना श्रृंगार कर ही लेता है, पूरी धरती उल्लसित हो जाती है। और इस दिन शारदा की पूजा करने के लिए पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और पीले रंग का घर में भोजन बनाना चाहिए। पीली मिठाइयाँ बना करके या खरीद कर माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए। गरीबों को दान करना चाहिए। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है और आपके घर में कोई छोटा बालक है जो भी अध्ययन नहीं करता है, तो केसर को भिगा कर उससे घोल बनाकर उसको उसका मोटा सा घोल हो और उसकी जीवा पर यदि ओम लिखा जाए तो उसे वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वह विद्या में बहुत आगे जाएगा, उसे सभी प्रकार की विद्याएं सहज रूप से आ जाएंगी। और अगर आप भी कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो माँ सरस्वती के मंत्र का जप करें, ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का आप जप करें
और अगर आप और भी संस्कृत पढ़ सकते हैं तो इस मंत्र का भी जप करें। माँ की पूजा आराधना के समय या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित संकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा। इस मंत्र से माँ सरस्वती को प्रसन्न करें, आपके भी जीवन में बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी से फिर मिलूंगी नई रोचक जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।